जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों, ऐसी मित्रता आपको कभी खुशी नहीं देगी। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरे के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। अपनी पत्नी को तब परखें जब आपके घर में घोर विपत्ति हो, रिश्तेदारों को किसी कठिनाई में और मित्र को संकट में। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसकी आध्यात्मिक ज्ञान में होती है, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन यह शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और स्त्री की सुंदरता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देता है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक लगाव रखता है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों का जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो, यह कड़वा सच है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात संगत का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी विश्वास ना करें। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। एक दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उसे डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। जीवन में ये 3 मंत्र हमेशा याद रखें। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी मत करना कि स्वाभिमान मिट जाए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। जीवन की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं, और जीवन की हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है।